dear CUT aspirants, how are you all? I hope you all are doing very, very, very well. तो हमारे जो लास्ट टू वीडियोस थे ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस हैं और कौन से कैंपस में कौन सी कॉलेज लाई करती है. और मैंने आपको एक जनरल रैंकिंग बोली थी कि भाई वैसे तो कहते हैं कि नॉर्थ कैंपस इज बेटर देन साउथ एंड साउथ इज बेटर देन द ऑफ कैंपस, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है. दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कॉलेज कि देर आर सो मेनी कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपस जो कि हम कहेंगे आर वेरी गुड कंपेयर टू सम अदर कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ कैंपस, एंड देर आर सर्टन कॉलेजेस ऑफ ऑफ कैंपस ऑल्सो विच आर वेरी गुड इन कंपेरिजन विद सर्टन नॉर्थ एंड साउथ कैंपस कॉलेजेस. और ये ऑल्सो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे, आपकी स्ट्रीम पे. बहुत से कॉलेज ऐसा, कोई कॉलेज ऐसा हो सकता है कि भाई वो कॉमर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो, बट हो सकता है वो साइंस के इतने अच्छे कोर्सेज ऑफर नहीं करता हो. सो दैट रियली डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम प्लस कॉलेज प्रेफरेंस. Together they play a very vital role. तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है बिकॉज आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटीज स्ट्रीम वाइज, दैट इज आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, विच आर द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जिनको, विच आर द टॉप 10 कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जिनको आपको टारगेट करना चाहिए फॉर योर CUET 2024. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम्स एंड इन all over the world. If we look at it, there are so many colleges participating. There are approximately 91 colleges in Delhi University. So it is very difficult to keep a tab of each and every single college. इससे बेटर ये है कि आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ये देख लें कि ये कॉलेजेस आर वेरी गुड एंड आई शुड टारगेट देम. क्योंकि अगर आप अपना एम उतना रखेंगे तब जाकर कहीं आप उसे क्रैक कर पाएंगे. So before we get into all that, if you are new to our channel, please do subscribe. We talk about all things CUET on this channel. If that sounds good to you, subscribe and stay tuned to our channel. And before we get into the top 10 colleges list, एक बार ये देख लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज ऑफर करता है वाया CUET. तो वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, बट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के थ्रू वो कौन से कोर्सेज ऑफर करता है ये देख लेते हैं. तो टू चेक दैट आई एम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET, CUET.samarth.ac.in, और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वाले टैब में गई हूँ और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी विच ऑफिशियली जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है ये टैब खोल लिया है. और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि कौन से प्रोग्राम्स और कोर्सेज ऑफर होते हैं. ठीक है, तो आपको BSc ऑनर्स ऑफर होगा, BSc ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी, BSc ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेज. इस सबकी डिग्री में आपको BSc ऑनर्स की ही डिग्री मिलेगी, बट कौन से ऑफर ऑनर्स में ऑफर हो रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, आपका डोमेन जो है बॉटनी, BSc ऑनर्स इन जूलॉजी, BSc ऑनर्स इन बायोमेडिकल साइंस, इन बायोकेम, इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऑफर करता है BSc ऑनर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ऑफर करता है, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड होम साइंस, फिर अप्लाइड फिजिकल साइंसेज विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री. तो आप देख रहे हैं ये सारे कोर्सेज आपके BSc ऑनर्स के हैं. फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, दैट इज इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, या तो CSE या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपका लेगा ये 12th-11th के अंदर. फिर बीटेक भी ऑफर करता है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन. देखिए अगेन आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, ये हम बात कर रहे हैं उन कोर्सेज की जो CUET के थ्रू ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो बीटेक जो है वो आपका CIC ऑफर करेगा. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही प्रोवाइड करवाएगा बीटेक वाया CUET, एंड द डोमेन्स आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन. फिर हमें BA ऑनर्स की डिग्री मिल रही है, तो BA ऑनर्स की डिग्री ऑफ इनोवेशन सेंटर CIC ऑफर करता है ये. पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की डिग्री भी है, BA का प्रोग्राम है. देन BA वोकेशनल, बैचलर ऑफ वोकेशनल हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, वेब डिजाइनिंग में. फिर BCom ऑनर्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज जो हम टारगेट करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट रहता है BCom ऑनर्स का, जो वहाँ से प्लेसमेंट होते हैं, दे आर लाइक दी मैक्सिमम. स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो BCom ऑनर्स के ही होते हैं.
सो अ वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स. देन बीकॉम, सिंपल बीकॉम आपका जो पास है वो भी ऑफर होता है. बीएससी ऑनर्स इन माइक्रो बायोलॉजी, बीएससी इन अप्लाइड फिजिकल साइंसेज एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, देन फिजिकल साइंसेज विद इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ साइंसेज में अप्लाइड लाइफ साइंस, फिर बीए ऑनर्स की बात आती है. तो अगर आप बीए ऑनर्स भी कर सकते हो, बीए ऑनर्स इन संस्कृत, इंग्लिश, इटालियन, अप्लाइड साइकोलॉजी, हिंदी पत्रकारिता. हिंदी पत्रकारिता इज व्हाट, हिंदी में जो जर्नलिज्म की डिग्री है आपकी, हिस्ट्री. फिर एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जर्नलिज्म का, बिल्कुल डेप्थ में आप वो कर सकते हैं. बैंकिंग ऑपरेशंस में बी वॉक, देन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अगेन बीएससी पास, जो आपकी नॉर्मल बीएससी है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर डीप स्पेशलाइजेशन नहीं होगी. होम साइंस में बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री, बीएससी का प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंसेज चलता है, फिजिकल एजुकेशन. अगेन वी हैव बीए ऑनर्स इन हिंदी, बंगाली, उर्दू, अरेबिक, स्पैनिश, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स. देन बीए वोकेशनल स्टडीज है, फिर बी वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी. बीए ऑनर्स इन कर्नाटक म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटेशन, वीना या वायलन ले सकते हैं फॉर योर इंस्ट्रूमेंटल. बीए ऑनर्स आप कर सकते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, और इसमें वोकल इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद, गिटार, वायलन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी बीएमएस की डिग्री ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी. बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. देन बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बीबीई की डिग्री है. एंड देन यू हैव बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड. फिर बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक परकशन में, यानी कि तबला, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट. एंड देन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट. सो यू कैन सी देर आर अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल विच यू कैन डू फ्रॉम डी यू वाया सी यू ई टी, राइट. उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर आपके ऑनर्स कोर्सेज रहते हैं मेनली, बट ऐसा नहीं है दूसरे कोर्सेज नहीं टारगेट कर सकते, यू कैन गो फॉर देम ऑल्सो. सो दीज आर द कोर्सेज एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द कॉलेजेस स्ट्रीम वाइज. तो सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते हैं. एज आई सेड भाई, बी कॉम ऑनर्स पॉपुलर कोर्सेज, बट उसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बी कॉम अगर आप नॉर्मल करते हो, दे आर ऑल्सो वेरी गुड. आपका बी कॉम का जो रिजल्ट रहता है और उसके बाद में जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इट इज़ वेरी गुड कंपेयर टू ऑल अदर. बाकी भी अच्छे हैं बट दिस इज लाइक दी बेस्ट. तो हम 10, 9, 8, 7, 6, 5 के countdown रखेंगे. वी आर गोइंग टू लुक फ्रॉम विच आर वी रैंकिंग एट द 10th पोजिशन, एंड देन उसके बाद में फर्स्ट पोजिशन पे हम कौन से कॉलेज को रैंक कर रहे हैं. तो सबसे पहले नंबर पे आता है शहीद भगत सिंह कॉलेज, और ये एक ऑफ कैंपस का कॉलेज है. सो अगैन, जो मिथ है कि ऑफ कैंपस के कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, इट इज नॉट एट ऑल ट्रू. ये देखिए, आप इस लिस्ट के अंदर गुड कॉलेजेस ऑफ कॉमर्स टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट में 10th नंबर पे ही एक ऑफ कैंपस का कॉलेज आ गया है. सो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कौन से कॉलेज में कौन से डिग्री कोर्स बहुत अच्छे तरह से करवाया जा रहा है. तो शहीद भगत सिंह कॉलेज जो है वो ऑफ कैंपस का कॉलेज है, 10th नंबर पे रखा गया है. देन इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है ये 9th नंबर पे आ रहा है हमारे पास में. अगेन अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट बट ओनली फॉर वुमेन. रामजस कॉलेज जो है वो नॉर्थ कैंपस में है, लाई करता है, 8th पोजीशन पे है. जीसस एंड मैरी कॉलेज क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए है, साउथ कैंपस में लाई करता है ये कॉलेज, ये 7th नंबर पे आ रहा है. 6th नंबर पे जो हमने रैंकिंग दी है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, अ वेरी वेरी पॉपुलर एंड रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ साउथ कैंपस, वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपस, बट कॉमर्स स्ट्रीम में हमने इसे 6th नंबर पे रैंकिंग दी है. श्री गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ कैंपस का कॉलेज है, देखिए इसकी रैंकिंग इज बेटर देन अ साउथ कैंपस एंड अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्स स्ट्रीम. तो स्ट्रीम वाइज आपके कॉलेजेस और उनकी रैंकिंग्स वेरी करेगी हमेशा. सो वी हैव केप्ट श्री गुरु गोविंद कॉलेज एट 5th पोजिशन, ऑफ कैंपस कॉलेज है ये. फिर हिंदू कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड, वन ऑफ ऑल्सो वन ऑफ ओल्डेस्ट कॉलेजेस ऑफ डी यू, नॉट द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट. सो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है हिंदू कॉलेज. देन हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है. लेडी श्रीराम कॉलेज साउथ कैंपस का कॉलेज है. एंड देन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि द ब्रांड विच इज़ यू नो अपने आप में एक ब्रांड है. यहाँ से अगर आप बी कॉम ऑनर्स या इकोनॉमिक ऑनर्स की डिग्री लेते हो तो लाइक आई मीन दैट इज लाइक अ ड्रीम फॉर एवरी कॉमर्स फील्ड स्टूडेंट. तो SRCC जो है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विच इज अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, इज केप्ट एट द फर्स्ट पोजिशन. बट अगर मैं एक बात कहूँ तो लेडी श्रीराम कॉलेज ऑल्सो कम्पीट्स वेरी क्लोजली विथ SRCC.
ऐसा नहीं है कि यहाँ की डिग्री कुछ कम है, लेडी श्रीराम से भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं. तो ओनली थिंग इज LSR इज प्योरली फॉर विमेन. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ जाता है हमारे मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो यहाँ एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं. बट येस, SRCC इज अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज एंड इट इज द बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स. फिर हम बात करते हैं आर्ट्स कॉलेजेस की. अगेन 10 से लेके 1 तक की रैंकिंग डिस्कस करते हैं यहाँ पे. सो जीसस एंड मैरी कॉलेज 10th पोजीशन पे आ रहा है इन आर्ट्स कॉलेजेस. देखिए, अब आप हर कॉलेज की रैंकिंग डिफर कर जाती है व्हेन वी चेंज द स्ट्रीम. बिकॉज जब हम कॉमर्स फील्ड की बात कर रहे थे तो जीसस एंड मैरी वॉज ऑन 7th पोजीशन एंड नाउ इट इज ऑन 10th पोजीशन. सो यू हैव टू रियली टेक केयर अबाउट विच स्ट्रीम डू यू बिलोंग टू, राइट. तो जीसस एंड मैरी कॉलेज इज अ साउथ कैंपस कॉलेज, इट इज एट 10th पोजीशन. वेंकटेश्वरा कॉलेज अगेन अ साउथ कैंपस कॉलेज. तो हमारे 10, 9, 8 पोजीशन साउथ कैंपस ने ही ग्रैब कर रखी है. वेंकटेश्वरा कॉलेज एंड 8th नंबर पे एक नया कॉलेज आया है, कमला नेहरू कॉलेज, साउथ कैंपस का कॉलेज है. इट इज अ वेरी गुड कॉलेज इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कोर्सेज, आर्ट्स फील्ड के जो कोर्सेज है. इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है. रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस कॉलेज है. हंसराज कॉलेज, अगैन हंसराज कॉलेज 5th पोजिशन पर यहाँ पे आ रहा है. इट इज अ गुड कॉलेज, रिप्यूटेड कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हंसराज कॉलेज के एलुमिनाई हैं हमारे शाहरुख खान SRK, बट आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट. बट आई थिंक येस, दिस इज अ कॉलेज फ्रॉम विच SRK हैज ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम. सो या, दैट कुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर सम ऑफ यू, इफ नॉट ऑल. देन मिरांडा कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, 4th पोजिशन पे है. काफ़ी अच्छा कॉलेज है और लड़कियों के लिए, लाइक इट इज़ अ गर्ल्स कॉलेज, और ये एक ड्रीम कॉलेज होता है लड़कियों के लिए. लाइक एवरीबडी इज़ लाइक, अगर हमारा मिरांडा हाउस में हो जाए तो लाइफ सेट है. बहुत कुछ पॉपुलर ओपिनियंस रहते हैं ये सारे. तो मिरांडा कॉलेज इज एट द 4th पोजिशन. अगैन बॉयज़ के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज है, दिस कॉलेज आपको पास करना पड़ेगा बिकॉज ये ओनली वुमेन के लिए है, बट इट इज़ अ गुड कॉलेज. देन वी हैव हिंदू कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस में लाई करता है अगैन. देन वी हैव लेडी श्रीराम कॉलेज, LSR वापस से आ गया है हमारा एट द 2nd पोजिशन. पिछले वाले में भी 2nd पोजिशन पे था एंड 1st पे द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज सेंट स्टीफन्स कॉलेज. आई मीन एवरीबडी नोज अबाउट सेंट स्टीफन्स, इट इज ऑल्सो अ ब्रांड इन इट सेल्फ. सो ये 1st पोजिशन ले रहा है इन टर्म्स ऑफ आर्ट स्ट्रीम, राइट. लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट साइंस कॉलेजेस. तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है SGTB खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, जो है नॉर्थ कैंपस में लाई करता है साइंस कोर्सेज के लिए. इट इज़ अ गुड कॉलेज, यू कैन टारगेट दैट. यहाँ पे थोड़े डिफरेंट कॉलेजेस आपके सामने आएंगे बिकॉज हम साइंस फील्ड में आ चुके हैं. अब देखिए, कॉमर्स और आपको आर्ट्स में कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, बिकॉज जो कॉलेजेस कॉमर्स के कोर्सेज ऑफर करती हैं मोस्टली वो आर्ट्स के कोर्सेज ऑफर करती हैं एंड दे आर गुड एट देम. बट साइंस में वी विल हैव सम न्यू नेम्स ओवर हियर. सो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इट इज़ एन ऑफ कैंपस कॉलेज बट इट इज़ अ वेरी गुड साइंस स्ट्रीम कॉलेज. सो इफ यू आर हैविंग एन ओपिनियन कि आपको ऑफ कैंपस में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल सकते, प्लीज़ डू नॉट फॉलो दैट ओपिनियन, इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. देन आता है किरोरीमल कॉलेज, जो कि अगैन इट इज़ अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, इट इज़ अ डिसेंट कॉलेज अगर हम साइंस की बात करें तो. गार्गी कॉलेज है, साउथ कैंपस का कॉलेज है, गुड, इट ऑफर्स गुड कोर्सेज फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स. रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है. हंसराज कॉलेज अगैन अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज. श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज अ साउथ कैंपस कॉलेज, कमिंग ऑन द 4th रैंक. देन 3rd रैंक पे अगैन दैट इज मिरांडा हाउस, बट अगैन इट इज ओनली फॉर वुमेन, दैट इज द ओनली ड्रॉबैक, बट इट इज गुड अदरवाइज. फिर हमारे सामने हिंदू कॉलेज आ रहा है 2nd पोजिशन पे एंड सेंट स्टीफन कॉलेज 1st पोजिशन पे, बट दीज आर अ वेरी वेरी क्लोज टाई. हिंदू कॉलेज एंड सेंट स्टीफन्स कॉलेज, इफ आई टॉक अबाउट द साइंस स्ट्रीम कॉलेजेस, दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल. तो ये रैंकिंग बहुत डिफर करेगी, हो सकता है कुछ लोग सेंट स्टीफन्स को बेटर माने, कुछ लोग नॉर्थ हिंदू कॉलेज को बेटर माने, बट इट इज योर ओपिनियन, बोथ आर इक्वली गुड इन माई ओपिनियन, ऑल राइट. तो ये कुछ कॉलेजेस थे, लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रीम्स. आई एम रियली होपिंग कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपके दिमाग में क्लैरिटी आई होगी कि कैसे किन कॉलेजेस को टारगेट करना है अकॉर्डिंग टू विच स्ट्रीम यू आर इन. सो इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून टू आर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू.